हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो टीवी के अंदर जो एलसीडी या एलईडी होता है उसमें जो टिकोन बोर्ड लगे होते हैं, जैसे ये टिकोन बोर्ड है, इसकी पूरी कंप्लीट ऑन बोर्ड टेस्टिंग हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये टिकोन बोर्ड ओके है या नहीं है, प्लस इसमें कौन कौन सा वोल्टेज बनता है, उसको शॉर्टकट में या डिटेल में हमें कैसे चेक करना होता है। तो टिकोन बोर्ड जो है वो दो तरीके से आता है, एक तो ऐसा जिसमें जो है ये कॉफाइसी होता है, इसी से स्क्रीन कनेक्ट होता है, ठीक है। और अगर मान लिया कि इस टिकोन में कोई ऐसा कंपोनेंट ख़राब हो गया, जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर होता है इसका, अगर ये ख़राब हो गया या वो आपसे रिपेयर नहीं हो पा रहा है या वो मार्केट में चिप नहीं मिल रहा, अगर ख़राब हो गया तो इसके साथ आपको पूरा ये पैनल मतलब पूरा स्क्रीन चेंज करना होता है इस टिकोन बोर्ड, मतलब इस टाइप के जो भी टिकोन बोर्ड होते हैं उसमें। अगर प्रॉब्लम जो भी है अगर उसको सॉल्व कर ले रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा आ गया जिसमें वो आईसी को चेंज करना है, माइक्रो प्रोसेसर मान लिया, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अलावा इसमें कोई भी कंपोनेंट ख़राब है तो वो बहुत इजीली रिपेयर हो जाता है। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए पूरा टिकोन बोर्ड आपको क्या करना होगा, पूरा स्क्रीन के साथ चेंज करना होगा। इसके अलावा जो है एक और टिकोन बोर्ड आता है इस टाइप का, इसमें क्या होता है कि अगर इसमें भी कोई अगर इशू आ गया और आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आपका रिपेयर बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, पर मेन चिप होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में इशू आ जाता है जो कि बहुत कम आता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया और वो चिप नहीं मिल पा रहा मार्केट में तो आप क्या कर सकते हैं, इस टिकोन बोर्ड को चेंज कर सकते हैं बिना स्क्रीन के साथ, क्योंकि यहाँ केबल को यहाँ से निकाल देंगे और इसको यहाँ निकाल देंगे और ये मार्केट में मिल जाता है, इसको चेंज कर सकते हैं, पर इसमें जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सर्किट सब सेम है, जितने भी सप्लाई इसमें आता है वही सप्लाई इसमें आता है, यहाँ से जो भी आपका लॉजिक बोर्ड है वहाँ से कंप्लीट जो है यहाँ पे सप्लाई इसमें आता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि इसमें जो है अगर हमें सप्लाई चेक करना है तो इसमें कौन कौन से सप्लाई बनता है और उसको डिटेल में कैसे चेक करेंगे। तो रही बात, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस टिकोन बोर्ड के अंदर जो वोल्टेज होता है, जैसे यहाँ से जो डेटा है, ये जो है अलग अलग डेटा आता है जो कि 1 से 2 के बीच में यहाँ डेटा होता है, और ये रेड वाला कलर है वो जो है सप्लाई का होता है। तो ये टिकोन कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, ये टिकोन बोर्ड कितने वोल्ट पे काम कर रहा है वो इस क्वाइल से पता चल जाता है। अगर इस बोर्ड में जो है दो क्वाइल लगा हुआ है, इस बोर्ड में दो क्वाइल लगा है तो ये जो बोर्ड है टिकोन बोर्ड ये किस पे काम कर रहा है, 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। कितने पे, 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो यहाँ से जो लॉजिक बोर्ड है ना, ये जो केबल है यहाँ से जो है 12 वोल्ट की सप्लाई रेड वाला वायर से यहाँ पर आएगा, और ये जो डेटा, ये जो पेयर वाला जो पिन है, ये डेटा का पिन है जो कि यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर चिप से डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा। तो डेटा पे जो है 1 से 2 के बीच में सिग्नल चेक करना है, और ये जो सप्लाई का रेड वाला जो वायर है इस पे आपको जो है 12 वोल्ट के आसपास चेक करना है। 5 वोल्ट वाला भी पैनल होता है, तो 5 वोल्ट का पैनल है या 12 वोल्ट का पैनल है वो इस बोर्ड में जो है क्वाइल से पता चल जाता है। अगर नहीं पता है तो हम ऑन बोर्ड में चेक कर लेंगे, अदरवाइज अगर आपके टिकोन बोर्ड में, जैसे इसमें एक सिंगल क्वाइल है अगर हम देखें, तो ये जो DC to DC IC एक होता है यहाँ पे क्वाइल के पास में ही होता है, तो ये 12 वोल्ट पे न काम करके कितने में काम करेगा, 5 वोल्ट पे काम करेगा। और जिसमें दो क्वाइल है जिसमें ये DC to DC IC 12 वोल्ट पे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम ये सप्लाई चेक करते हैं कि ये सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से सप्लाई प्लस डेटा हमें मिलना चाहिए, यहाँ से लॉजिक बोर्ड से। अगर यहाँ से ये मिल रहा है तो लॉजिक बोर्ड हमारा क्या है, ओके है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे, जैसे मल्टीमीटर को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखो, और इसको हम रखेंगे DC 20 पे, क्योंकि यहाँ पे 20 से नीचे ही वोल्टेज आता है। तो यहाँ देखेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। स्टैंड बाई से ऑन करो इसको, यहाँ पे ऑन करने के बाद ही जो है जब ग्रीन होगा तभी यहाँ पे लाइट आएगा, ऑन हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ गया। तो ये 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, इस लॉजिक बोर्ड से। यहाँ से अगर 12 वोल्ट नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप जम्पर भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। प्लस ये जो डेटा का पिन है, ये जो ये पेयर वाला है, इस पर अगर हम चेक करें तो 1 से 2 के बीच में यहाँ पे डेटा शो करेगा 1.4। उसके बाद से दूसरे पिन पर अगर हम देखें तो इस पर भी 1.4, इस पर हम चेक करें इस पर भी 1.4, इस पर भी चेक करें इस पर 1.38, इस पर भी 1.41,
ये ग्राउंड वाला पिन है, तो इन सब पिनों पे हमें क्या मिल रहा है, ये डेटा मिल रहा है। अगर ये डेटा नहीं मिल रहा है तो उसमें इशू कहाँ पे है, इस चिप में। मगर इस चिप से पहले हमें इस केबल को, जो केबल यहाँ पर लगा हुआ है ना, LVDS जिसको केबल बोलते हैं, अगर ये केबल भी सही से ना लगा हो या ख़राब हो तभी भी हमारे यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगा या डेटा नहीं बनेगा। तो पहले तो हम ये कन्फर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद इसमें आपको बताया गया है कि इस जो टिकोन बोर्ड के अंदर DC to DC IC होता है ना, जिसका DC to DC IC का सर्किट आपने बनाया है, रजिस्टर आप निकालो अपना, तो उसमें जो है DC to DC IC में आपको बताया गया कि इस पर आएगा कितना वोल्ट, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट। 12 वोल्ट 5 वोल्ट आने के बाद ना ये जो है ना 4 या 5 वोल्टेज आउट करता है। कौन कौन सा वोल्टेज आउट करता है, एक VGL, एक VGH, एक AVDD, एक VCOM और एक VDD वोल्टेज जो है ये आउट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये LVDS कनेक्टर है, यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ पे आपने लिखा नहीं है, पेन दो, ये जो है यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है, अगर इसमें मैंने बताया था कि दो क्वाइल इस सेक्शन में है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई फ्यूज क्वाइल से होते हुए इस IC पे आएगा। और ये जो IC है वो ये IC है, यहाँ पे इस बोर्ड में जो है वो IC जो है क्वाइल के पास में ये वाला IC। अब ये IC पे 12 वोल्ट आते ही या 5 वोल्ट आते ही ये जो IC है क्या क्या वोल्टेज आउट करेगा, AVDD जो 16 वोल्टेज, VGH 27 वोल्टेज, VGL 6 से 7 या 8 वोल्टेज, HVDD 8 वोल्टेज, DVDD 3.3 वोल्ट और VCOM वोल्टेज जो है 7 से 8 वोल्टेज के आसपास जो आउट करेगा, जो कि ये कहाँ कहाँ जाता है वो भी लिखा हुआ है कि ये जैसे गामा IC प्लस जो है आपका गेट ड्राइवर जो कॉप होता है उस पर जाता है, VGH जो है गेट ड्राइवर जो IC होता है उस पर जाता है, और इससे रिलेटेड क्या क्या इशू आता है वो भी यहाँ पे हमने आपको लिखवाया है, बताया कि इससे रिलेटेड अगर कोई सप्लाई मिसिंग है, डेटा मिसिंग है, वोल्टेज मिसिंग है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या इशू आएगा। तो हम पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, DC to DC IC के बारे में। तो ये DC to DC IC को देखें तो इसमें इस IC पे हमें कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ से यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। तो इस पे हम IC पर ना चेक करके, क्योंकि IC के तो पिन हमें कंफर्म नहीं है, तो IC के पास में जो कैपेसिटर लगे होते हैं ना, कैपेसिटर से ही होते हुए IC पे सप्लाई जाता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें इस कैपेसिटर पे, तो ये 16 वोल्ट है, मतलब ये 12 वोल्ट वाला नहीं है, ये जो है 7 वोल्ट है। यहाँ से जो सप्लाई आउट हुआ है, यहाँ पे यहाँ से जो ये रेड वाले से जो सप्लाई आउट हुआ 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आया, और ये फ्यूज है, फ्यूज से होते हुए यहाँ पे ये कैपेसिटर पे गया, कैपेसिटर का एक पिन ग्राउंड होता है, पैरेलल में लगा होता है, यहाँ से कहाँ पे गया, क्वाइल पे, और क्वाइल से होते हुए जो है सप्लाई जो है वो कहाँ चला गया, इस IC पे चला गया, DC to DC जो है, ये तो गम IC है, ये DC to DC IC पे, इस पे चला गया। अब पता करना कि कौन सा पिन है, तो ऑफ करके आप इसके साथ बीप चेक कर लो, जो भी इसके साथ बीप कर रहा है वो क्या है आपका, वो कौन सा IC है, सॉरी वही पिन आपका VCC पिन है। इस पे सप्लाई आने के बाद अब ये क्या करेगा, ये वोल्टेज अलग अलग आउट करेगा। अब वो वोल्टेज कहीं ना कहीं पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट ऐसे बना होता है, ऐसे ये जो है टेस्टिंग पॉइंट, ये डॉट डॉट बना है ना, वहाँ पे वो लिखा होता है AVDD, VCOM, VGH, VGL, तो वो हम यहाँ पे भी चेक करेंगे कि क्या वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो वोल्टेज है, पहले वोल्टेज कहीं ना कहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है AVDD। तो AVDD कितना वोल्टेज होता है, 16 वोल्टेज, तो यहाँ पे 16 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए मल्टीमीटर में, ये मल्टीमीटर में बिल्कुल आ रहा है 16 वोल्टेज के आसपास। उसके बाद से और कौन सा वोल्टेज होता है, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जूम करके ये VGL लिखा है, ये लिखा है ना VGL, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पर रखें तो मल्टीमीटर में कितना आ रहा है, माइनस वोल्टेज आना चाहिए 6-7 वोल्टेज के आसपास, तो ये पॉइंट -5.86, मतलब 6 वोल्टेज जो है यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी ओके है, ये सब DC to DC IC से आउट हो रहा है। उसके बाद से अगला हम वोल्टेज की बात करें, तो अगला वोल्टेज जो है वो कौन सा है, ये VGH VGL, हाँ ये हो गया VGH, यहाँ पर आप देखोगे VGH यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर आना चाहिए VGH जो है, तो
तो ये BGH यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है? बिकॉज ये हमने 20 पर रखा है और ये 20 से क्या होता है, ऊपर वोल्टेज होता है, उससे ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे हमें अभी ऑफ हो गया, उसको ऑन करो। वहाँ से नहीं है, वहाँ से नहीं है, स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे 27 वोल्टेज जो है वो आ गया। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया VGH, VGL हो गया, AVDD हो गया। उसके बाद से और अगला जो वोल्टेज है वो कौन सा है, VCOM वोल्टेज। यहाँ पे आप जूम करके देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे VCOM लिखा हुआ है। तो ये VCOM का वोल्टेज जो है 7 या 8 वोल्टेज के आसपास आता है, तो ये 7.4 वोल्टेज ये आउट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और वोल्टेज जो है वो कौन सा है, VDD। तो VDD वोल्टेज जो है वो कौन सा है, यहाँ पे आप देखो 3.3 VDD। तो इस पॉइंट पे आपको 3.3 आना चाहिए, जो कि आपका ये VDD वोल्टेज हो गया। तो ये टोटल वोल्टेज जो है इस DC to DC IC से आउट हो रहा। अगर ये वोल्टेज आउट नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में ये DC to DC IC क्या है, ख़राब रहा। अब इस IC को चेंज करो। अगर IC नहीं मिल रहा मार्केट में, तो मैंने इसके जगह पे बताया था, कि एक क्या आता है, मॉड्यूलर आता है। क्या आता है, मॉड्यूलर। तो मॉड्यूलर यहाँ पे लगा सकते हैं इसके जगह पे। या मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई पुराना क्या बोर्ड है, एक टिकोन बोर्ड है, वो ख़राब है वो, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे जो है ना, इस क्वाइल पे 5 या 12 वोल्ट दे सकते हो। 5-12 वोल्ट देते ही इस क्वाइल पे ये जो DC to DC IC है, ये टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे आउट कर रहा है, वो सब वोल्टेज इससे आउट होगा, जो कि यहाँ पे भी लिखा है, ये VDD VCOM सब वोल्टेज लिखा है। और यहीं से जम्पर उठा के यहाँ से और वहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज मिसिंग है, वो जम्पर हम करके देख सकते हैं। तो इसका भी हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे हमें करना होता है। ठीक है, अदरवाइज जो है दूसरा हमारा DC to DC IC है, उसको भी वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो भी मतलब खराबी इसमें जो आता है टिकोन बोर्ड के अंदर, इसमें जो खराब आता है वो DC to DC IC है। 99% जो खराब होता है वो DC to DC IC खराब होता है। तो हम अगले वीडियो में इसको कैसे हमें इसके जगह पे इसको ही, ये जो बोर्ड है इसको ही कैसे लगा के हम इसको रेडी करेंगे, मतलब अगर ये मिसिंग है तब की बात कर रहा हूँ, कि इसके द्वारा हमें वहाँ पे कैसे जम्पर करना होता है, वो करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।